दोस्तों, आज मैंने कबूतर निकाले हैं बहर। जुम्मे का दिन है, कबूतर बहर निकाला। बहर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहर जब कबूतर आप लोग निकालें तो फौरन कबूतरों को जो है न छोड़ दिया करें, जैसे कि कबूतरों को पलटा के नीचे। अगर ये आप लोगों का शौक आम ज़मीन पे है तो नीचे 6-7 कबूतर कैंची किए हुए, पर कटे हुए कबूतर आप नीचे छोड़ दें। उसके बाद आप लोग उन्हें फिर बाद में अपने कबूतरों के पलटाते कबूतरों को बाहर छोड़ दीजिए। जैसे अभी मैंने ये निकाला है कबूतर, अपने दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो आज मैंने कबूतर अपने निकाल दिए, पूरे के पूरे बहर घूम फिर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फड़क फड़ूक रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है अभी शुरू किया हमने कबूतरबाजी का, जो है ना, उड़ाने का सिलसिला। तो दिखाते हैं मैं आप लोगों को कबूतर और बताते भी हैं। तो ये अपने कबूतर निकले हुए हैं बाहर। इनमें कुछ परपटाई किए हुए कबूतर जिनके पर कटे हुए हैं, और बाकी जो अपने परवाज़ वाले हैं कबूतर, जैसे ये घूम रहे हैं, ये अभी फड़फड़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि अपने कुंदे सही करते जाएंगे। ये हम लोगों ने जो अमल करना है, ये 3 दिन ये अमल करना है, ये खुश्क उड़ा कबूतरों को पलटा के बाहर छोड़ देना है। अब ये देखें, मैं घूम रहा हूँ, ये कबूतर मेरे फड़फड़ा रहे हैं। ये बाजी वाले कबूतर हैं अपने, इनमें 6-7 कबूतर हैं जो जिनके पर कटे हुए हैं, बाकी कबूतर जो हैं बाजी वाले हैं तो निकले हुए। हमारा ये जो है ना, गांव का हिसाब है, ज़मीन में नीचे बेड़े में कबूतर उतारते हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को नीचे रखने पड़ते हैं। ये देखें, अभी फड़फड़ा रहे हैं कबूतर। तो जब जिन दोस्तों के जाल हैं तो वो अपने जाल में पहले 1-2 दिन बांधें, फिर हल्का हल्का उनको छोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जब एक बार उतरते आएँगे, उड़ते उतरते तो इंशाल्लाह कबूतर सही हो जाएंगे आप लोगों के। दोस्तों, ये आज निकाले हुए हैं कबूतर। इनमें से मैंने 4 नर नहीं निकाले हुए हैं, क्योंकि उनका थोड़ा ना घर मज़े का पक्का नहीं है, घर के पक्के नहीं है। तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी ये कबूतर निकले हुए हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं, थोड़ा फड़का रहे हैं। ये देखें ना, दरख्त पे चढ़े हुए हैं। एक ये ऊपर बैठा हुआ है दरख्त पे, और एक आज ये कबूतर नया भी पकड़ा है, अभी तक तो हाथ नहीं लगाया उसको, आके उतरा है खुद। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये कबूतर नया है, आके उतरा है। ये देखें, तो अभी मैं दिखाता हूँ जो कबूतर मेरे अंदर खड़े हुए हैं, जाल में खड़े हुए हैं जो नर 4 कबूतर, ये नहीं निकाले, इनका थोड़ा घर पक्का नहीं है। ये 4 कबूतर बैठे हुए हैं, ये इनका घर पक्का नहीं है, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालूंगा, थोड़े दिन चढ़ाए। बाकी ये इधर और हैं। तो इस तरीके से 3 दिन आप लोग कबूतर निकालें, फड़फड़ाएं कबूतर, कबूतरों को ज़्यादा तंग ना करें। जितना घर का पक्का रखेंगे कबूतरों को, उतना आप लोगों के लिए खुद के लिए फ़ायदा है। तो अभी देखें, मेरे कबूतर निकले हुए हैं सैन में, फड़फड़ा रहे हैं खुडे में। तो इससे ये इनके कुंदे उंदे थोड़े ना पक्के होते जाएंगे, कुंदे पक्के होते जाएंगे और कबूतर अपने जो है फिट होते जाएंगे। तो ये 3 दिन आप लोग उन्हें पलटा के कबूतरों को छोड़ देना है, खुश्क छोड़ देना है। फिर जब फिरते शुरू करें, फिर भी खुश्क उड़ाने हैं आप लोगों ने कम से कम 6 दिन। तो उसके बाद पानी उठवाना है। जब पानी उठवाना है तो मैं तरीकाकार आप लोगों को अभी तक बताते आऊँगा। आज जुमे का दिन है, छुट्टी है अपने, तो इस वजह से फारिक हैं। तो ये सिलसिला रखेंगे, आप लोग कबूतरबाजी अच्छे से कर सकेंगे। बाकी जो है, पहली शायद आप लोगों ने पलटाना, काफ़ी सारे दोस्तों की कमेंट आती है कि भाई कच्ची फिर तुम्हें कबूतरों को पलटाना है या नहीं पलटाना। दोस्तों, कबूतरों को सही नमूने से पलटा दिया करो, क्योंकि जब उनके पोट में दाना रह जाएगा तो वो कबूतर ज़ोर लगाएगा। ज़ोर लगाने वाला कबूतर, एक तो कुंदा नहीं बने हुए कुंदे कबूतरों के, तो इसी वजह से कबूतर ज़ोर लगाएंगे, मुंह खोलेंगे, सांस कच्चा, तो कबूतर ज़ाया होने का खतरा हो जाता है। तो ये सिलसिला अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारे जिस तरीके से हम कबूतरों को तैयार कर रहे हैं, अगर आप लोग इस तरीके से तैयार करो तो इंशाल्लाह कोई आप लोगों को जो है परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसके अलावा अल्लाह पाक खैर करेगा। कल दोस्त की बाजी थी हमारा अपना, ये समझो गए कि ग्रुप है, राशिद नाम है, कबाड़ा ने बाजी उठा ली है। कल 4 बंदूक के साथ आमने सामने भी थी और 4 बंदे कप में भी थे।
कप बनाया हुआ था उन लोगों ने चार अपने इलाके में, तो उसमें ये हो गया, शाहू को माशाल्लाह जीत गया अपना बंदा। वीडियो भी मैंने दो डाली है यूट्यूब पे, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू आप लोग कबूतरबाजी करें, हम जिस तरीके से करते हैं कबूतरबाजी इस तरीके से आप लोग करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब जाओगे, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये शौक जीत गए हैं उस्ताद सनम उस्ताद इमदाद सुमरो भाई, ये कबाड़े के कबूतर बैठ गए हैं, चार ही कबूतर। ये देखो 6:17 पे भाई चार खुडों का कप भी था, आमी सामी भी था, हम जीत गए। उस्ताद कबूतर दिखाओ ज़रा, ये भाई कबूतर देखो सनम, और कबूतर दिखाओ भाई बाजी वाला, ये कबूतर भाई हम जीत गए। ये देखे भाई, ये थप्पे दिखाओ सनम भाई, ये कबूतर है भाई, ये बादी वाले कबूतर हैं भाई। ये भाई नविदाद मदारी है हमारा, नविदाद शाम जीत गए, ओश वेरी गुड। ये भाई कल ही मदारी है, गुड लक, जिंदाबाद इमदाद सुमरो उस्ताद सनम सुमरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल ही मदारी कप भी मारे चुको है, फैनल दुबदु शौक भी 20,000 रुपये खटी चुको है, हमारे सोचता है पैसा भी हाथ में, शौक मारे चुको आ कली मजारी, अमीर जान खान मजारी के शौक मारे हुआ। ये वेटा हुए उस्ताद नसीर खान सोलंगी से गड सवे, पैसा इन वट जमा हुआ।